दिन आज माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की उपासना हो रही है। वहां ब्रह्मचारिणी को ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है। कठोर साधना और ब्रह्म में लीन रहने के चलते इन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया है। विद्यार्थियों के लिए माता की आराधना विशेष फलदायी होती है। ज्योतिष के मुताबिक अगर हम देखें तो वो लोग जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है, उनके लिए भी माँ ब्रह्मचारिणी के उपासना अत्यंत मंगलकारी मानी जाती है। नवरात्र के पावन अवसर पर माता के शक्तिपीठों के अलावा देश के महानगरों से लेकर शहरों और गांवों के मंदिरों में भक्तों का तांता लगातार लगा हुआ है। महापर्व के इस मौके पर हमारी कवरेज जो है लगातार जारी है और कुछ इसी प्रकार की पॉजिटिव और सकारात्मक तस्वीरें आपको लगातार हम दिखाते रहेंगे। अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम जानेंगे कैसी है नवरात्रि पर किस प्रकार का नजारा है। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं और शिल्पी भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है और आपको तमाम तस्वीरें दिखाएंगी। शुभता की ये तस्वीरें आपको आज प्रसन्न कर देंगी। मनीष पहले आपके पास आ रहे हैं, अभी जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, शुरुआत जैसे जब मॉर्निंग भोर के साथ होती है तो सबसे ज्यादा जो है श्रद्धालु बढ़ चढ़कर वहां पर पहुंचते हैं, अभी किस प्रकार का उत्साह नजर आ रहा है मनीष? बिल्कुल, लगातार वक्त बीतने के साथ श्रद्धालुओं का तांता बढ़ता जा रहा है। आप व्यवस्था देखिए, इस तरह कितनी सारी पुलिस यहाँ पर तैनात की गई है सिर्फ लोगों को संभालने के लिए, भीड़ को संभालने के लिए। हालांकि अभी भी मंदिर के सारे जो एंट्री गेट्स हैं वो नहीं खोले गए हैं, अगर वो खुलते हैं तो जाहिर तौर पर भीड़ और ज्यादा हो जाएगी, लेकिन क्योंकि कम गेट खोले गए हैं इसलिए आपको मंदिर प्रांगण में लिमिटेड भीड़ दिखाई पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर सेवादारों ने उसे मेंटेन किया है। कई लोग घरों में पूजा अर्चना करते हैं उसके बाद यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन आपको इस मंदिर की हमें खास बात बता दें कि यहाँ पर आपको ऐसे बहुत सारे श्रद्धालु मिल जाएंगे। इनका ये कहना है कि यहाँ से उन्होंने आज तक जो कुछ भी मांगा वो पूरा हुआ है, मनोकामना सिद्धापीठ भी से कहते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे मिले मुझे जिन्होंने कहा कि उनके पति बीमार थे, वेंटिलेटर पर थे, कोई उम्मीद नहीं बची थी, उसके बाद वो यहाँ पहुंची, यहाँ मनोकामना मांगी, यहाँ पूजा अर्चना की, जिसके बाद वो सही हो गए। ऐसे तमाम सारे भक्त आपको यहाँ पर दिखाई पड़ जाएंगे। कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश भी करते हैं, आप कहाँ से आई हैं और कब से यहाँ पर आ रही हैं? नहीं, मैं तो अभी दूसरी बार ही आई हूँ यहाँ पर, मैं ग्रेटर कैलाश से आई हुई हूँ जी। रात्रि आप यहाँ पहली नवरात्रि आई हूँ यहाँ पे, घर पे पूजा करती हूँ। पहली बार आई है, ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं। आप कहाँ से आए? हम नोएडा से आए हैं। कहाँ से? नोएडा से। नोएडा से इतनी दूर आए माँ दर्शन करने? हर नवरात्रि पर आते हैं, इतना खास क्यों है ये मंदिर? हमारा भरोसा है, हमारी माता कुलदेवी है, तो हम हर नवरात्रि में कुलदेवी है माता, और जाहिर तौर पर ये जो प्रसन्नता है वो निश्चित तौर पर भक्तों के चेहरे पर दिख रही है। शिल्पी लखनऊ से लगातार जुड़ी हुई हैं, शिल्पी आपके पास आ रहे हैं। शिल्पी कहते हैं कि देखिए त्याग और तपस्या की ये देवी हैं, एक हाथ में कमंडल है और दूसरे हाथ में माला है, तो माता को प्रसन्न करने के क्या कुछ उपाय किए जा रहे हैं भक्तों की ओर से? देखिए, नवरात्रों में माँ को प्रसन्न करने का एक उपाय तो जरूर है, वो है भक्ति और आपका समर्पण। क्योंकि जब कलश स्थापना करते हैं उसके साथ ही संकल्प लेते हैं और अपने मन को उसी रूप में ढालना होता है, तो जो लोग घर में पूजा अर्चना कर रहे हैं वो थोड़ी देर बाद मंदिर आ पाते हैं और यहाँ पर आकर के देवी के दर्शन करते हैं। क्योंकि जैसा पहले मैंने बताया था कि बहुत सिद्ध मंदिर है, इसलिए जो लोग घर में पूजा अर्चना करते हैं वो भी यहाँ आते हैं। लखनऊ और आसपास के लोगों की बड़ी संख्या में यहाँ भक्त आते हैं और मैं जो आप विग्रह देख पा रहे हैं वो भी अपने आप में खास है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण का विग्रह है। आमतौर पर देवी की पूजा लक्ष्मी नारायण के रूप में कम देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर वो होती है, उसके पीछे कथा भी है। कहते हैं शंकराचार्य ने इसकी स्थापना की थी और उसके बाद से ये इतना सिद्ध मंदिर बन गया। यहाँ पर लोग आते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है शारदीय नवरात्र की। देखिए, राम ने शक्ति पूजा की थी और देवी को प्रसन्न करके उसके बाद वो सभी शक्तियां प्राप्त की थी जिससे रावण वध हो सका। यानी कि शक्ति, चाहे वो आपके मन की शक्ति हो, आध्यात्मिक शक्ति हो, उसको प्राप्त करने के लिए आप देखिए जयकारे लगातार लग रहे हैं। ये बताइए कितने साल से इस मंदिर में आ रही है? और मुझे हो गए करीब 50 साल से। 50 साल हो गए। अच्छा, मनोकामना पूर्ण करती है देवी लक्ष्मी नारायण महारानी? मेरा यही जन्म भूमि है, मैं यही की पैदा हूँ।
बराबर मेरा दर्शन कर नवरात्र में आता हर नवरात्र में आपसे बात करेंगे क्या यहाँ कब से आ रही हैं और कहते हैं यहाँ जो लक्ष्मी नारायण स्वरूप है माँ काली के रूप में वो मनोकामना पूर्ण करती है तो आपकी पहले मनोकामना यहाँ हम बहुत मतलब ज्यादा समय से तो नहीं आ रहे हैं क्योंकि हम यहाँ नए हैं लेकिन जब से मतलब हमको पता चला हम यहाँ आना शुरू किए हैं और यहाँ मतलब हर मनोकामना पूरी होती है और बिल्कुल और ये हम यहाँ पर देख रहे हैं देखिए लगातार क्योंकि घर में पूजा अर्चना भी होती है उसके बाद मंदिर आप लोग आती हैं तो यहाँ दर्शन करके लगता है कि अच्छा लगता है अरे यहाँ आके तो इतना हम झूम जाते मस्त हो जाते इतना मुझे आनंद आता है कि मैं तो खो जाती हूँ मैया खो गया मेरा दिल इन पहाड़ों में मैया खो गया मेरा दिल इन पहाड़ों में इन पर्वत के ऊंचे नजारों में इन पर्वत के ऊंचे नजारों में मैया सकारात्मक ऊर्जा की बात कर रहे थे तो किस तरह सकारात्मक ऊर्जा है किस तरह उत्साह है इन सभी का व्रत है लेकिन उसके बावजूद बिल्कुल शिल्पी तमाम सकारात्मक ऊर्जा से उत्प्रोत करती है तस्वीरें दिन भर आपको ये दिखाते रहेंगे और इनफैक्ट 9 दिन आपको दिखाते रहेंगे तमाम तस्वीरें देश भर के तमाम कोनों से मनीष और शिल्पी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए तमाम तस्वीरों के लिए